बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कोरिकुलम का आज हम 32 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। लिट फर्स्ट पॉइंट है, लिटरेचर प्रोवाइड्स प्लेजर टू लिसनर एंड रीडर्स। इसमें क्या होता है, जो लिटरेचर होता है वो प्रोवाइड करता है लिसनर और रीडर्स को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा प्लेजर इन्वायरमेंट। जैसे कि इट इज अ रिलैक्सिंग एस्केप फ्रॉम डेली प्रॉब्लम्स एंड इट्स फिल लेजर मोमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर में हम क्या होता है, बुक्स, स्टोरी बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है, तरह तरह की चीजें सीखते हैं जिससे कि हम समाज के साथ उठ बैठ सकें, उन्हें समझ सकें। और इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट है जो कि हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में की थी, वो आप देख सकते हो। आज हम इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो लिटरेचर होता है इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, जब हम थके हारे होते हैं या फिर हम काम करके बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं तब हम अपनी बुक्स इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और उन्हें इस तरीके से फील भी होता है बुक्स वगैरह पढ़ के कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई हैं और एक अच्छा सा वातावरण के लिए क्रिएट होता है उन बुक्स को पढ़ने के बाद। मेकिंग टाइम फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग एंड यूजिंग हाई क्वालिटी लिटरेचर हैज टू डेवलप रीडर एंड इम्प्रूव अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम चीजों को सीखते हैं तो क्या होता है, चीजों के बारे में आप अपने तरीके से उस चीज की बारे में इमेजिनेशन करते हो, उसे रिक्रिएशन करते हो उस चीज का और उस चीजों के बारे में हाई क्वालिटी तरीके से सीखते हैं, जिससे क्या होता है, जो रीडर्स होता है उसे बहुत ही ज्यादा इसका फायदा मिलता है और उससे क्या होता है, जो उनके अचीवमेंट में जो दिक्कत आ रही होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है और जिससे क्या होता है, वो बाद में एक अच्छे पोस्ट पे अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, लिटरेचर बिल्ड एक्सपीरियंस। लिटरेचर से किस तरीके से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, चिल्ड्रन एक्सपेंड देयर हॉरिजन्स थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चे क्या होता है, तरह तरह की चीजों से क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और उस चीज को फिर अपने डेली लाइफ में भी लाते हैं और उन्हें जिस जो नेगेटिव गलत एक्सपीरियंस होता है तो उस चीज को वो निग्लेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है उस चीज को वो गेन करने की कोशिश करते हैं। दे विजिट न्यू प्लेसेस, गेन न्यू एक्सपीरियंस एंड मीट न्यू पीपल्स। जब बच्चे नई नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई बातें करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो तरह तरह का एक्सपीरियंस आता है, नई नई चीजों का एक्सपीरियंस आता है। द लर्नर अबाउट द पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट एंड लर्न अबाउट अ वैरायटी ऑफ कल्चर इंक्लूडिंग देयर ओन। इसमें क्या होता है, जब हम चीजों को लर्न करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या होता है, पास्ट के बारे में भी देखते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वो किस कल्चर से डिपेंड करता है। हमारा पास्ट में जो कल्चर चलता आ रहा होता है वही प्रेजेंट में होता है, परंतु उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस होती है वो चीज को भी देखते हैं, प्लस हम उस चीज को कल्चर्स को क्या होता है, अपने से भी रिलेट करके देखते हैं कि वो कल्चर्स हमारे से कितने रिलेटेड है या फिर हमारे आसपास एरिया में जो भी कल्चर्स बोले जाते हैं उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दे डिस्कवर द कॉमन गोल्स एंड सिमिलर इमोशन फाउंड इन पीपल ऑफ ऑल टाइम्स एंड प्लेस। इसमें क्या होता है, हम उन चीजों को भी डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जिनका क्या होता है, कॉमन गोल्स होता है, क्या उनका जो उद्देश्य होता है, प्लस में जो सिमिलर इमोशंस होते हैं, जिनकी जो सिमिलर फीलिंग्स होती है, बात करने का जो तरीका होता है या फिर सेम कल्चर से होते हैं, उस चीज को भी हम देखने की कोशिश करते हैं और वो सारी चीजें हमें क्या होता है, तरह तरह कि जब हम प्लेसेस में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे भी हमें एक जैसी कास्ट के या फिर एक जैसी कल्चर्स बोलने वाले लोग भी मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, लिटरेचर प्रोवाइड अ लैंग्वेज मॉडल फॉर दोस हु हियर एंड रीड। इसमें क्या होता है, जो लिटरेचर होता है वो प्रोवाइड करता है हमें लैंग्वेजेस को जो कि हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। गुड लिटरेचर एक्सपोज चिल्ड्रन टू करेक्ट सेंटेंस पैटर्न स्टैंडर्ड स्टोरी स्ट्रक्चर एंड वेरिड वर्ड यूसेज। इसमें क्या होता है, जब हम गुड लिटरेचर की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें जो बच्चे होते हैं अच्छी चीजों को सीखते हैं, करेक्ट सेंटेंस बनाना सीखते हैं, किस तरीके से चीजों को पैटर्न में लेके आना वो चीज सीखते हैं और किस तरीके से क्या स्टोरी का स्ट्रक्चर है, क्या उसमें वर्ड यूज किए, क्या डिफरेंट वर्ड्स, उस चीज को भी हम लिखना बोलना सीखते हैं। चिल्ड्रन फॉर होम इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश विद द इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट एंड ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम न्यू वोकैबुलरी दैट इज वोन इन टू द स्टोरीज। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं वो इंग्लिश क्या है, जो हमारी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग होती है जो कि हम घर में आसपास के लोगों से सीखते हैं,
सेकेंड लैंग्वेज क्या है, इसमें इंग्लिश है, जो कि हम तरह तरह के लिटरेचर स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें उस चीजों को हम सीखते हैं। और प्लस भी क्या होता है, इससे क्या होता है, जो लिटरेचर्स की बुक्स होती है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिससे कि हमारा खुद का मन होता है उन चीजों को पढ़ने का। इससे बच्चों को बेनिफिट ये मिलता है कि वो न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ नई चीजें, नए वर्ड्स बोलना सीखते हैं और उसे अपना डेली लाइफ में रूटीन की तरह फॉलोअप करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लिटरेचर डेवलप थिंकिंग स्किल। किस तरीके से जो लिटरेचर वो डेवलप करता है हमारे सोचने के तरीके को। डिस्कशन ऑफ लिटरेचर ब्रिंग अबाउट रीजनिंग रिलेटेड टू सीक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कैरेक्टर्स मोटिवेशन, प्रेडिक्शन, विजुअलाइजेशन ऑफ एक्शन, कैरेक्टर एंड सेटिंग, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जब हम बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में बाद में हम क्या होता है, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, हमारी जो रीजनिंग होती है वो भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसके क्या कॉजेस, क्या इफेक्ट्स थे वो भी शेयर करते हैं। प्लस में जो भी उसमें जिसका किरदार होता है उसके कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे मोटिवेशन होता है, उसका प्रोडक्शन करते हैं, जो भी चीज को जो हमारे सामने विजुअल में चल रहा होता है उस चीज का क्या होता है, हम एक्शन रिएक्शन देखते हैं कि क्या है, उसकी क्या सेटिंग प्लानिंग है, क्या क्रिटिकल एनालिसिस है उस स्टोरी में, क्या क्रिएटिव रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें हम क्या होता है अपने थिंकिंग स्किल के जरिए ही जान पाते हैं और उसमें डिस्कस कर पाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लिटरेचर हेल्प सपोर्ट्स ऑल एरियाज ऑफ द लैंग्वेज आर्ट कुरिकुलम। जो लिटरेचर होता है वो सपोर्ट्स करता है हमारे हर एक एरिया में, चाहे वो लैंग्वेज हो, आर्ट्स हो या फिर कुरिकुलम हो। लिसनिंग टू स्टोरी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग स्किल्स एंड डिस्कशन ऑलो चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स, रिएक्शन। वेन स्टूडेंट्स रीड लिटरेचर दे आर प्रैक्टिसिंग देयर कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज इन मीनिंग सिचुएशन। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी स्टोरी को लिसनिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, जिससे हमारी जो लिसनिंग की स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती है, वो इसमें भी विकास होते हैं। प्लस में हम डिस्कशन भी करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, विचारधाराएं होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे रिएक्शन वगैरह होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, जिससे हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। और उसके बाद हम उस चीज की प्रैक्टिसेस भी करते हैं, उसके एक स्ट्रेटजीज भी बना के चलते हैं और एक मीनिंगफुल सिचुएशन भी बना के चलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमने डेली लाइफ में क्या करना है, हमारा पढ़ने का क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम इससे सीखते हैं। सिक्स पॉइंट है, लिटरेचर हेल्प चिल्ड्रन डील विद देयर प्रॉब्लम्स। इसमें क्या, लिटरेचर के थ्रू हम तरह तरह की चीजें सीखते हैं और अपनी प्रॉब्लम को खुद से शॉर्ट आउट सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। By finding out about the problems of others through books, children receive insight into dealing with their own problems, a bibliotherapy. इसमें क्या होता है, जब बच्चे तरह तरह के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो बच्चे जो बुक पढ़ते हैं तो उनमें कुछ तरीके की उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने को हम कहते हैं बिब्लियोथेरेपी कहते हैं। पिक्चर्स इन बुक्स डेवलप विजुअल लिटरेसी। जब हम कोई सी भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि साथ में कॉर्नर में छोटी सी या बड़ी सी बच्चों के लिए पिक्स बनाई होती है, जिसके थ्रू हम क्या होते हैं पिक्चर देख के हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पढ़ने का जो इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़ता है और इससे हम पढ़ने के लिए भी ज्यादा अक्सर होते हैं। सम इंस्ट्रक्शन कम्प्लीमेंट और रीइन्फोर्स द स्टोरी वेयर एज अदर एनहांस और एक्सटेंड द टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे लिटरेचर होते हैं वो क्या होता है, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज इस लिटरेचर के थ्रू सीखते हैं, इसका उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। और दूसरी साइड देखें तो क्या होता है, इससे जो हम अरे जो लिखने का कार्य होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम रीडिंग के थ्रू, बुक के थ्रू ही बहुत सारी चीजों को जानते हैं, समझ पाते हैं। पिक्चर्स कन्वे मीनिंग एंड ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरप्रिटेशन। पिक्चर के थ्रू क्या होता है, हम चीजों को, अपने टेक्स्ट को, अपने एक्सरसाइज ऐसे स्टोरीज को समझने की कोशिश करते हैं और पिक्चर्स के थ्रू ही बहुत सारी चीजें होती है जो क्लेरिफाई हो पाती है और हमें नई तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी मिल पाती है। सेवेंथ पॉइंट है, लिटरेचर हेल्प एस्टेब्लिश कैरियर कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, जब लिटरेचर के थ्रू क्या होता है, अपना जो कैरियर होता है उसको भी अच्छे से बना पाते हैं। फॉर चिल्ड्रेन हु हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिटरेचर एक्सपेंड देयर आइडियाज
फॉर एक्सपेक्टेशनल फॉर पोटेंशियल कैरियर्स। इसमें क्या होता है, जब हम लिटरेचर के थ्रू क्या होता है, जो बच्चे की जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है, इससे उनका जो ऑक्यूपेशन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। परंतु जब हम लिटरेचर की हेल्प लेते हैं तो इससे हमें क्या होता है, जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के आइडियाज थाट्स आते हैं, हमारी थिंकिंग स्किल भी बढ़ती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, प्लस में हमारे कैरियर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। 8th पॉइंट है, लिटरेचर इंटीग्रेट्स द कुरिकुलम। किस तरीके से जो लिटरेचर है वो हमारे कुरिकुलम पे भी इफेक्ट डालता है। ट्रेड बुक्स सप्लीमेंट एंड एनरिच एनी पार्ट ऑफ द कुरिकुलम। जो ट्रेड बुक्स होता है वो सप्लीमेंट होता है हमारे अदर पार्ट अदर कार्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए। इन स्टेड ऑफ रिलिंग सोसाइटी ऑन टेक्स्ट बुक्स, लुक फॉर रिसेंट ब्राइटली ट्रेड बुक्स फॉर ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू योर थीम और सब्जेक्ट एरिया। इसमें क्या होता है, लिटरेचर्स के थ्रू जब हम अपनी बुक्स वगैरह को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें तरह तरह के टॉपिक्स मिलते हैं कि वो टॉपिक्स जो कि हमारे कुरिकुलम में जो होते हैं उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उस चीज़ को हम समझने की पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारे जो पाठ्यक्रम में लगी हुई बुक होती है उस चीज़ को हम इजिली समझ सकें, और उसके बारे में क्या होता है समझ के उसकी थीम उसका जो सब्जेक्ट एरिया उस चीज़ को उसके टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें। 9th पॉइंट है, मल्टी कल्चरल लिटरेचर हेल्प्स रीडर वैल्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस एथनिक ग्रुप्स एंड कल्चर्स। इसमें क्या होता है, मल्टी कल्चर्स के थ्रू जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो इससे हमारे जो रीडर्स होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, जिससे क्या होता है हम तरह तरह की जाति भेद जाति के साथ जो भेदभाव होता है, एथनिक ग्रुप्स हो गया, तरह तरह के जो लैंग्वेजेस होते हैं उस चीज़ों को समझ पाते हैं, उसका विरोध कर पाते हैं। एक्सीलेंट वेल लिटरेचर बुक्स आर अवेलेबल फॉर मैनी कल्चर ग्रुप। इसलिए कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, क्योंकि जो मार्केट्स होते हैं उसमें तरह तरह के बुक्स वगैरह मिलती है जो कि डिफरेंट कल्चर्स होती है। इससे क्या होता है, जो हम कल्चर्स होते हैं उसके बारे में जान पाते हैं और उसे मानने भी लगते हैं और उसे भी इक्वली मान्यता प्राप्त करते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम सच पॉपुलेशन गेन सेल्फ स्टीम बिगन टू अप्रिप्रिएट अदर्स फ्रॉम कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, जो हमारे आज के टाइम की जो पॉपुलेशन है उसमें जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ों को सेल्फ एस्टीम के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को अप्रिप्रिएट करते हैं, और प्लस में जो कल्चर का जो बैकग्राउंड है उसे भी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय करते हैं, उसको भी साथ देते हैं। 10th पॉइंट है, पिक्चर बुक्स डेवलप विजुअल लिटरेचर। पिक्चर बुक्स के थ्रू क्या होता है, जो हमारे जो विजुअल जो देखने का तरीका है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। द केयरफुली क्राफ्टेड क्रिएटिव इलस्ट्रेशन इन पिक्चर बुक्स डेवलप चिल्ड्रन अवेयरनेस ऑफ लाइन कॉलर स्पेस शेप एंड डिजाइन। इसमें क्या होता है, जब हम लिटरेचर के थ्रू बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि पिक्चर के थ्रू ही हम तरह तरह के शेप्स के बारे में जान पाते हैं, उनके स्पेस के बारे में जान पाते हैं, उसका क्या कलर है, क्या लाइन है उसके बारे में जान पाते हैं, उनके क्या डिजाइन है, वो सारी चीज़ें क्या होता है लिटरेचर के थ्रू ही जान पाते हैं। सम लिटरेचर सम इंस्ट्रक्शन कम्प्लीमेंट और रेनफोर्स द स्टोरी वेयर एज अदर इनहेंस और एक्सटेंड द टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम करते हैं पूरा, तो इसके लिए हमें बहुत सारे रेनफोर्समेंट बेनिफिट्स मिलता है, और इससे क्या होता है, जो हमारे लिखने का जो कार्य वर्क होता है टेक्स्ट वर्क होता है वो भी कम हो पाता है लिटरेचर बुक्स के थ्रू पढ़ने से। 11th पॉइंट है, लिटरेचर इम्प्रूव्स रीडिंग एबिलिटी एंड एटीट्यूड्स। लिटरेचर के थ्रू जो हमारी रीडिंग एबिलिटी है और एटीट्यूड्स है उसमें भी विकास होता है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। द रिसर्चर्स क्लेम्स डेट रीडिंग एबिलिटी इम्प्रूव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स रीडिंग एंड इंक्रीज रीडिंग रेट्स। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर है उन्होंने देखा, उन्होंने पाया है कि जितनी भी रीडिंग एबिलिटी होती है उसका विकास करने के लिए, उसका एटीट्यूड में इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी रीडिंग होती है रीडिंग रेट उससे होते हैं, उस चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना रीडिंग के हम कुछ भी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ना ही किसी को अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं। ये थे आज के हमारे बेनिफिट्स ऑफ लिटरेचर्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।